गुड मॉर्निंग माई डियर लविंग चिल्ड्रन, एज आई प्रोमिस यू आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम कमिंग टू यू बैक टू स्पीक समथिंग ऑन हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी वर्ड पावर। बिफोर टेलिंग व्हाट इज द पिवोटल रोल ऑफ बिल्डिंग वर्ड पावर, जैसे कि मैं बार बार आप लोग से बताता हूँ कि आपके पास वर्ड पावर नहीं होगी तो आप नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं बोल पाएंगे। उसी क्रम में आज मैंने एक वर्ड चुना है। एक वर्ड तो एक सिंबॉलिक है, आप अपने से बहुत सारे वर्ड्स को पिकअप कर सकते हैं। यू कैन चूज़ होल लॉट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम योर ओन। करना क्या है, एक वर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई किया, उसकी वर्ड मीनिंग उतारी और उसके ढेर सारे सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, उसको पढ़ना है और उसको सेंटेंस बनाना है। आपको देखने में बड़ा आसान हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद यू फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर इंटर रिलेटेड, जिसके मीनिंग आस पास के ही हैं, एंड यू आर इन ए पोजिशन टू इस्टेब्लिश सर्टेन रूट्स। एंड वंस यू आर एबल टू इस्टेब्लिश द रूट्स, देन स्काई द लिमिट वाली जो बात है ना, दैट विल डेफिनेटली बिकम विद इन योर लिमिट्स टू टच इट आउट। आज मैं एक वर्ड मैंने चुना है, उसका नाम है हंकी डोरी, HUNKY, HUNKY, DORY, दोनों अलग अलग वर्ड है, हंकी डोरी, लेकिन मीनिंग एक ही है। आप फिर से इसको नोट करें, हंकी डोरी, HUNKY, HUNKY, हंकी डोरी, DORY, डोरी। हंकी डोरी क्या होता है? Hunky dory is a word which is used an adjective. कहता everything is hunky dory, मतलब going well, सब कुछ टकाटक, everything is fine. तो इसको बहुत सारे uses में आप कर सकते हैं। How is your life? Well, my life is absolutely well, it is hunky dory. तो इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं। And once you start using this word in your day-to-day life, you will find life becoming very pleasant. अभी क्या होता है कि बच्चों को अपने ऊपर, जैसे मैं बहुत सारे दिनों से ही स्कूल चला रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ इनफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स होती है कि यदि वो टीचर नहीं बोलेगा, यदि वो ट्यूटर नहीं बोलेगा, जब तक वो गाइड नहीं, जिसके अंदर कोचिंग नहीं कर रहा है, उसके पास नहीं पड़ेगा तो उसकी नॉलेज अधूरी रहेगी। मैं बताता हूँ कि बच्चों, यदि आप इस तरह के कदम उठाओगे, द वेरी प्रैक्टिस ऑफ गोइंग टू द टीचर एंड देन लर्निंग फ्रॉम हिम एंड देन मेमोराइजिंग, देन आई थिंक योर लाइफ विल बी इनकम्प्लीट थ्रू आउट योर लाइफ। इट शैल नेवर बी ओके और टू योर एक्सपेक्टेशन। जानते हैं क्या, क्योंकि जब आप कोई वर्ड को आपने खुद इसको इंटरेक्ट किया, उसको इनकाउंटर किया और आपने उसकी वर्ड मीनिंग खुद खोजा, उसके सिनोनिम्स खोजे, उसके एंटोनिम्स खोजे, तो माइंड यू व्हाइल द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, यू विल इनकाउंटर हेल नंबर ऑफ वर्ड्स विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू स्पीक एंड विच वुड ऑल्सो इनकरेज यू टू बिल्ड वेरी गुड स्ट्रॉन्ग एंड वायबल वर्ड पावर। तो ऐसे आप करेंगे तो बहुत आसान होगा। आज मैंने आपको बताया हंकी डोरी, HUNKY, HUNKY, हंकी डैश डोरी, DORY। किसी भी ज़माने में आपके फूफा आ रहे हैं, पूछते हैं कि बेटा कैसे हो, हाउ इज़ लाइफ, मतलब हंकी डोरी। खेलने में गया था, हाउ वाज़ द डे, हंकी डोरी। हाउ वाज़ योर स्टडी इन स्कूल, हंकी डोरी। हाउ इज़ योर लाइफ, हंकी डोरी। इफ़ इट इज़ रियली गुड, यू कैन से रियली हंकी डोरी। हंकी डोरी मतलब सब कुछ टकाटक, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मैं बच्चों को इस वर्ड मीनिंग के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि स्ट्रगल बहुत था, तो उसमें जो स्कॉलर निकलते थे वो कोई PhD नहीं करते थे, वो कोई BEd नहीं किए हुए थे, वो कोई MA नहीं किए हुए थे, उनकी अपनी की रिसर्च थी, अपने अंदर इतनी लगन थी, उस लगन से उन्होंने जो पठन पाठन का कार्य किया, उसके द्वारा उनकी एकाग्रता के द्वारा, उनकी एकाचित होने के कारण, उनकी तन्मयता होने के कारण, उनके अंदर इतनी प्रतिभा आई,
वो अच्छे पढ़ने वाले भी थे, अच्छे लिखने वाले भी थे, अच्छे बोलने वाले भी थे। यही तीन चीज़ तो बच्चों के अंदर चाहिए। यू रिक्वायर वेरी गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग, गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग एंड गुड अमाउंट ऑफ स्पीकिंग। आपने खूब अच्छा लिखना सीख लिया, लेकिन हो सकता है आप बोलना नहीं सीखे, तो बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर करेंगे, आपका इंटरव्यू में लटक जाएंगे, क्योंकि आपको तो सक्सेस लेना है ना। तो सक्सेस कम्स फ्रॉम ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो जब मैं एक एक वर्ड, ऐसे तो हजारों वर्ड्स हैं, हजारों वर्ड्स देते रहूँगा तो आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे। माई आइडिया इज़ नॉट टू प्रिपेयर अ फिश एंड गिव इट इन योर माउथ। माई आइडिया इज हाउ टू फिश। मछली मारने का तरीका क्या हो सकता है, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। और तरीका यही है, एक वर्ड को आपने चुना, HUNKY, हंकी डोरी, DORY, और इसके एक मीनिंग निकाला। कहाँ से? इफ़ यू हैव ए डिक्शनरी, वेल वेरी गुड, यू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द नाउन ऑफ इट, व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ इट, बहुत सारे इसके प्रसंग मिल जाएंगे। क्योंकि यू नीड नॉट रीड ग्रामर इन आइसोलेशन। जैसे ही एक सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कम्स इन टू पिक्चर। इसके एक वर्ब भी होंगे, एक एडवर्ब भी होगा, इसके कंजंक्शंस भी होंगे, इनके कनेक्टर्स होंगे। सो वंस दैट कम्स इन टू पिक्चर, देन अल्टीमेटली द फाइनल थिंग कम्स, व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज दैट यू शुड हैव एज मच गुड वर्ड मीनिंग पावर एज पॉसिबल। क्योंकि जब तक आपके वर्ड मीनिंग नहीं रहेंगे आपके पास सफिशियंट नंबर में, तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। आजकल हर बच्चे को, और कोरोना के बाद मैंने देखा है कि लोगों की टेंडेंसी हो गई है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, फॉरगेट अबाउट ऑनलाइन ऑफलाइन। ये ऑनलाइन ऑफलाइन एक ऐसी बिजनेस हो गई है जो कि बच्चों को अपंग करने का एक सुनिश्चित तरीका है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप अपंग मत बने। भगवान ने आपके पास सारे चीज दिया हुआ है, हर चीज। यू हैव ए गुड पर्सनैलिटी, यू आर इन द यूथफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ। आई टेल यू, यू कैन अचीव वॉट एवर यू फील लाइक, प्रोवाइडेड यू आर इंटेंडेड टू डू वन। यदि आप सोचने, आपने सोच लिया कि येस आई हैव टू डू इट, यू विल डू इट। क्योंकि आपके पास प्रभु की इच्छा के साथ साथ आपके पास ऐश्वर्य भी है, आपके पास भगवान का आशीर्वाद भी है। आप उस यूथफुल स्टेज में हो, जो चाहेंगे आप कर लेंगे, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट बिलीविंग इट। इस बात की कभी चिंता ना करें कि लोग क्या बोलेगा। आप आज गलती नहीं करेंगे तो कल करेक्ट कैसे होंगे? कहते हैं ना कि यदि हम जुदा नहीं होंगे तो फिर मिलेंगे कैसे। यदि आपने गलती करने से ही, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, जब माँ बाप की गोदी से उतरता है तो पहला कदम जो गिरता है, चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, लड़खड़ाता है, फिर भी बच्चा हिम्मत नहीं हारता, वो खड़ा हो जाता है। हमें उसी बचपना से शिक्षा लेनी है। हो सकता है हमारी अपनी बचपना खुद याद ना हो, लेकिन हम अपने घर में, आस पड़ोस में दूसरे बच्चों को देख के सीख ले ही सकते हैं ना। तो हमारी बचपना, ज़िंदगी एक बचपना ही है। एज लॉन्ग एज यू आर ए लाइफ, यू आर इन अ लर्निंग मोड। केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारी उम्र के लोगों के लिए भी, वी आर लर्निंग एवरी डे। और एक शिक्षा तो है, क्योंकि हमने जो गलतियाँ की थी, और उन गलतियों को कैसे मैं सुधार सकता हूँ अपने बच्चों को बांट के, और अपने बच्चों को क्या सिखा सकता हूँ। दैट नॉट दिस वे, दैट वे, दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन डू बेटर। तो मेरे बच्चों, आप अपना समय 2 घंटे 3 घंटे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो उसमें मत जाओ। बहुत सारे यूट्यूब में बैठे हुए, आप जाओ। यदि आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आप गूगल में जाओ, गूगल में जस्ट टाइप करो वर्ड, आप देखो उसमें टाइप करो हंकी डोरी, HUNKY DORY, हंकी डोरी। जैसे कि आप टाइप करेंगे, लिखे रहेगा एडजेक्टिव डूइंग वेरी वेल, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, और आपकी अंदर की कॉन्फिडेंस, आपकी अंदर की जो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन जो होती है, दैट विल पुश यू थ्रू। तो आज का वर्ड मैंने बताया हंकी डोरी, कल मैं इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताऊंगा। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताने का मतलब ये होता है कि यू विल फाइंड एटलीस्ट 5 or 6 वर्ड्स विच आर सिमिलर इन इट्स मीनिंग, दैट इज सिनोनिम्स, एंड 5 or 6 वर्ड विच आर
डिससिमिलर, विच इज अपोजिट, जिसको बोलते हैं विपरीतार्थक, जस्ट अपोज्ड। जैसे नाइट का अपोज क्या होता है, डे। गुड का अपोज क्या होता है, बैड। तो हंकी डोरी का क्या अपोजिट होगा, आप भी तैयार करना। व्हेन आई कम टू यू टुमारो वी विल रिफ्रेश इट विद इट्स मीनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन आई विल कम एंड टॉक टू यू ऑन हाउ टू बिल्ड वेरी गुड वर्ड पावर। And the process is very simple. That is, start building. Start building enriched vocabulary power. That power alone will push you. That will push you up, 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 forward, forward, forward. Is that clear? Thank you, my dear loving children. Good day. All the best.